हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, गुवाहाटी में बनेगा अलाबोई की लड़ाई का युद्ध स्मारक। असम सरकार ने अहोम सेना के बलिदान और बहादुरी का सम्मान करने के लिए दो युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की। इन युद्ध स्मारकों में से एक गुवाहाटी में और दूसरा जोरहाट में बनाया जाएगा। राज्य की राजधानी गुवाहाटी के बाहरी इलाके में 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक स्मारक बनाया जाएगा। यह वह स्थान है जहां 17वीं सदी में अहोम सेना और मुगलों के बीच अलाबोई की लड़ाई लड़ी गई थी। इस स्मारक का मुख्य आकर्षण हेंगांग नामक अहोम तलवार होगी, जो स्मारक के केंद्र में स्थित 100 फीट लंबी है। यह 75 बीघा जमीन पर बनाया जा रहा स्मारक अलाबोई की लड़ाई में शहीद हुए 10,000 अहोम सैनिकों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शानदार श्रद्धांजलि होगी। जबकि दूसरा स्मारक 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बरफुकन का स्मारक होगा। दरअसल इस साल अहोम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। लचित बरफुकन ने 1671 में सरायघाट और 1667 में अलाबोई की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान अहोम सेना का नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि अलाबोई की प्रसिद्ध लड़ाई मुगल सेना और लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम के बीच 1667 में लड़ी गई थी, जिसमें अहोमों ने गुवाहाटी को मुगलों से वापस जीत लिया था। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाली असमियों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और उस समय मुगल शासक औरंगजेब असम के गुवाहाटी के पास लड़ी गई इस लड़ाई में 10,000 अहोम सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था।